तो वह देखिए, मई महीने में सूर्य की तपिश से तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। बढ़ता तापमान लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, जिससे बचाव के लिए आम लोग एक कूलर के साथ ही साथ ठंडी शरीर को ठंडा रखने के लिए तमाम तरह के पेय पदार्थों का उपयोग भी करते हैं। अब देखिए, बढ़ते तापमान के कारण एक एसी और कूलर के बाजारों में लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी ओर सुबह और शाम के वक्त बेतवा नदी में गोता लगाकर गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश में एक तरफ जहां सियासी पारा गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी का पारा भी अपने पूरे स्वाब पर है। हमीरपुर की बात की जाए तो हमीरपुर में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। यहां पर पारा 40 प्लस है और लोग घर के अंदर रहने को मजबूर हैं। फिलहाल जो लोग हैं वो पेयजल पदार्थों की तरफ बढ़ रहे हैं और जो भी व्यक्ति किसी काम से बाहर निकलता है वो सर पर गमछा बांध कर ही निकलता है। फिलहाल जिला अस्पताल की बात की जाए तो जिला अस्पताल पे जो डेंगू और हैजा के मरीज हैं और दस्त के मरीज हैं, उनके इजाफा हुआ है मरीजों में और जिला प्रशासन ने इसको लेके एडवाइजरी जारी की हुई है। हमीरपुर से शिवम सिंह, नेटवर्क 10।